बहुत सा मजा लेने मेरी जान, लेकिन पैदल आने में फट गई है हाँ मेरी जान। Hey guys, welcome to my new vlog। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मेला का तैयारी हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं और ये सारे लोग मेरे दोस्त हैं जो हम लोगों के तैयार होने के बाद ये लोग देख रहे हैं कि आगे मैं रात में जा रहा है। ये भी भाई साहब है, ये काफी शर्माते हैं। तो मेरा सिर्फ बाल झाड़ना अभी बाकी रह गया, बाकी आप ऊपर से नीचे देख सकते हैं कि मैं एकदम फैंटास्टिक तैयार हो गया हूँ। और ये एकदम ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अपनी बारात में जा रहे हैं तो फाइनली लखनऊ के इको गार्डन में मेला लग चुका है, जो लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और ये सारे भाई हैं, एक्साइटेड तो है लेकिन ये आज नहीं जा रहे, मैं और मेरा भाई जा रहे हैं आज, और उसके बाद से सारा अपडेट आपको देते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग तैयार होने का नजारा देख रहे हैं, तो बाकी कुछ नहीं है, अभी चलते हैं और वहां का अपडेट आपको देते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अभी बाल सब बना के एकदम दहशिक तरह से तैयार हो चुके हैं, तो अभी रात हो चुकी है काफी, तो आप लोगों को नया अपडेट देना है क्योंकि आज मेले का पहला दिन है। तो अभी यहां से शुरू नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको इको गार्डन लेके चलते हैं, फिर उसके बाद से वहां का सारा अपडेट देते हैं। और वहां का नजारा तो आप लोग भाई साहब जानते ही हैं, हम मतलब आपको मत कि सारी पापा की कन्या और मानना पड़ेगा भाई साहब। बड़ा हरामी हो बेटा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये भी काफी खुश रहते हैं और ये एक नंबर के जो ठरकीबाज है इनको लेके चलेंगे। शाबाश बेटा। और बाकी ये आज हम लोगों का वीडियो देख के ही इंजॉय कर लेंगे, बाकी ये इनका प्लान कुछ किसी और दिन जाने का है तो, और इनका कल सेशनल का पेपर है तो ये लोग काफी तैयारी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये भी हैं, और ये भाई साहब है, इनको ज्यादा ठंडी लग रही है। कोई मिल गया जादू से सब, मेरा दोस्त ये भी है। तो अभी आगे से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आपको इको गार्डन में तब। सो है गाइस वेलकम, फिर से स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को बताया था मैं कि मेला जा रहा हूँ, और फिर अभी देखा तो एकदम आत्मा को तसल्ली नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे मेला लगा ही नहीं है। अभी आप देख सकते हैं आगे पीछे कोई भी भीड़ नहीं है। तो अभी आप लोगों को बताने में ये हमको बहुत ही तकलीफ हो रही है कि आज का प्रोग्राम जो है वो हम लोग आप लोगों को दिखा नहीं पाए। तो सिर्फ आपको यही बताने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि अभी आज जाए हैं, इतना डिंग डोंग में तैयार होकर। आप देख सकते हैं ये भी इनका जूता वूता सब चढ़ाए हुए हैं, और ये भी भाई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अफसोस हो रहा है। इनको भी अफसोस है इस बात का कि हम लोग मेला में आए और यहाँ पे कोई कुछ, हमारा पैसा सब चला गया, भाड़ा सब खत्म, वेस्ट एकदम। तो किराया और भाड़े की कोई वो नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोगों का एंजॉयमेंट आज नहीं करा पाए। सो गाइस अभी यहाँ पे कुछ है तो नहीं, अभी तैयारी हो रही है और काफी बड़ा मेला लगने वाला है, तो आप लोगों को यहाँ का नजारा दिखाते हैं। अभी काफी तैयारी चल रही है जोरों शोरों जो, अरे कहना क्या चाहते हो, जोर शोर से एकदम तैयारी चल रही है। और यहाँ का जो वेलकम होने वाला है किसी सेलिब्रिटी का वेलकम होने वाला है, सो अभी यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं ये पीछे स्टेज का अभी नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा सेलिब्रिटी आने वाला है। तो आपको बता दें कि काफ़ी बड़ा मेला लगने वाला है, आप पीछे देख सकते हैं कितने दूर तक आपको लाइटिंग दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, ये देख लीजिए चारों तरफ, और यहाँ पे जो मेला होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग भी आइए। और ये भारत के लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जो कि इको गार्डन में लगा रहता है। तो अभी ये कल से या परसों से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को बता दें कि ये काफ़ी इंजॉयमेंट के लिए और काफ़ी सारे सामान वगैरह जो भी होता है, और काफ़ी सस्ती मार्केट जैसे यहाँ पर लगता है, तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और घूमने के लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि पहले से ही पार्क वगैरह है। और मेरे दोस्त यहाँ पे टहल रहे हैं, इन लोगों को भी मज़ा नहीं आया, और लेके आया मैं इन लोगों को, और ये लोग साथ भी आए और इतने डिंग डोंग में भी आए, देख लीजिए आप। तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का जो लोकेशन है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे तैयारी होगी, यहाँ से भारत महोत्सव का जो शुरुआत होने वाला है इस स्टेज से होने वाला है। और काफ़ी सारी यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और तैयारियाँ एकदम बेहतरीन चल रहा है। और जो आपको यहाँ जूम करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से जो होगा वो स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे तैयारियाँ शुरू है बिल्कुल भी, और देख सकते हैं आप।
नारियां देख लीजिए कैसे लग रहे हैं हम। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको हमारे फ्रेंड ने बताया कि हम लोग का पोपट हो गया है, ठीक। हम लोग आए थे भारत महोत्सव देखने के लिए, मतलब घूमने के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, ठीक। तो हम लोग को काफ़ी मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ पे पोपट हो गया है, मेला अभी चालू नहीं हुआ है। हमको सूत्रों से पता चला है कि कल या परसों से मेला का आगाज़ होने वाला है, तो हम सोचे कि इस पर थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए, आप लोग को बताया जाए। और थोड़ा हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये पीछे जो स्टेज लगा है यहाँ पे से इस मेले का आगाज़ होगा, ठीक। देख लीजिए पीछे काफ़ी बड़ा स्टेज लगा हुआ है। उड़ती हुई खबर आई है कि यहाँ पे हनी सिंह आने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक। तो अभी तो फिलहाल के लिए यही है और आपको हम इस मेले का सेटअप दिखा दे रहे हैं जितना हो सकेगा, बाकी की तो हम पूरी कवर करके आपको वीडियो में एक प्रॉपर बना के दिखाएंगे। गाइस, अभी भाई को कुछ सामान लेने का है तो हम लोग उस दुकान पे जाते हैं। एक दो दुकानें खुली हुई हैं जो कि अभी आए हैं, तो कुछ तो लेके जाएंगे, वैसे खाली है तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हॉस्टल पे भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोगों के मजाक उड़ा के हालत ख़राब कर देंगे, क्योंकि वो लोग यही समझेंगे कि हम लोगों का तो पोपट हो ही गया है, तो अभी वो लोगों को मजाक उड़ाने में एक मौका मिल जाएगा, तो हम लोग वो मौका उन लोगों को देंगे नहीं। तो बाकी आप लोगों के सामने मैं लेके चलता हूँ और भाई को कुछ सामान लेने का है, इसको सामान दिलाते हैं, फिर उसके बाद से आगे जो भी है यहाँ पे कोई भी दुकानें लगी हैं आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी मेला तो आगे लगने वाला है, फिर उसके बाद से लेके चलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप भी लखनऊ के नियर से हैं तो आपको यहाँ पे आके मजा लेना चाहिए मेले का, ठीक। तो आप आए, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, आएंगे तो काफी अच्छा लगेगा आपको और इंजॉयमेंट भी होगा। आप फैमिली के साथ आइए और मजा लीजिए, उसके बाद जाइए यहाँ से। आप लोगों को भी पता है कि कितना अच्छा लगता है भारत में। बादल कहीं रंगीना चल आहा, कहीं होत गुलाबी ओहो, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओहो, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरे बाहें आहा। तो फ्रेंड, चलिए हम आपको दिखाते हैं, आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। ये कि अभी यहाँ पे दुकानें अभी काफी सारी लगी नहीं है, इसके वजह से हमको लग रहा है अभी डीले है। देखिए फ्रेंड्स, इधर का दुकान अभी खुले नहीं है, इधर अभी दुकान खुले हैं, देख लीजिए। यही एक दो दुकान है जो खुले हुए हैं, बाकी अभी खुले नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी सारी दुकानें ही है, अभी पूरा ये खाली है, देख लीजिए कहाँ तक कितना लंबा लगा है ये, देख लीजिए। आपको लोगों को जैसा कि दिख रहा है वहां से लेके पूरा ये यहां तक सारी दुकानें इसमें लगने वाली हैं। को तो लग रहा है फ्रेंड्स, इस बार का महोत्सव काफी बढ़िया होने वाला है, तो मजा आएगा, देखते हैं। 14-15 दिन तक ये लगता है महोत्सव, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कोहरा पूरा सारा फील्ड में आ गया है, देख लीजिए कितना लाजवाब लग रहा है, क्या बताया जाए आप लोगों को। देखिए, एक हमारा फ्रेंड गया है उसी में घूमने के लिए। फ्रेंड, ये देखिए पूरी फील्ड में क्या कोहरा है, देख लीजिए कितना लाजवाब लग रहा है, देखिए ये देखिए लखनऊ में भाई साहब पहली बार ऐसा नजारा, पहली बार लखनऊ में हमको लग रहा है हम ही लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखिए हम लोग घूम रहे हैं इसी में। तो अभी फाइनली सारा कोहरा है ये, तो काफ़ी घास भी ज़्यादा भीग चुका है और जूते हम लोगों का ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बाहर निकल रहे। अभी फ़िलहाल रात 10 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग जल्दी से फटाफट ऑटो लेंगे, उसके बाद अपने हॉस्टल पे जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें आप लोग, और फाइनली एक और वीडियो आएगी इसकी फुल जब महोत्सव लग जाएगा, तो वेट कर लीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम पूरे महोत्सव का व्यू आपको दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आप लोग, और तो आप लोग को इसका व्यू और नजारा देखने को लिए मिल जाएगा। सो है गाइस, अभी हम लोग पैदल आ रहे हैं क्योंकि रिक्शा मिला नहीं हम लोगों को, तो अभी काफी टाइम हो गया, आप लोगों को टाइम बताते हैं, 11:30 हो गया है। तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्या करें, देख लीजिए, देखिए वो गाड़ी भी नहीं रोक रही, वो देखिए इंजॉयमेंट, देखे फ्रेंड इसका इंजॉयमेंट, रोड पर चलते हुए इंजॉयमेंट हो रहा है एकदम फुल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते चलते फाइनली अभी शहीद पथी पहुंचे हैं,
अभी यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। तो भारत महोत्सव काफी महंगा पड़ गया हम लोग को आज। एक तो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे महोत्सव स्टार्ट नहीं हुआ था और अभी हम लोग को ऑटो नहीं मिल रही है, तो क्या बताया जाए, आज लक ही खराब है। चलिए देखते हैं कब तक हम लोग हॉस्टल पर पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स अभी रात के करीब 12 बज चुके हैं। ठीक, तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। और इनको देख लीजिए, इनको तो मस्ती सूझी है, इनको कोई टेंशन नहीं है। अरे भारत महोत्सव मजा लेने मेरी जान, लेकिन पैदल आने में फट गई है। समझ रहे हो ना? हाँ मेरी जान। झलक नान मेरा कड़क संगीत के ठरक, तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत। सब जलने लगे है, काफी डरने लगे है, मेरी मार्केट ना खा नीचे धरने लगे है, मेरी बातों के नोट्स और फर्रे लगे है, मेरी बातों के बारिश में गलने लगे है। करूँ जो भी मन करे, शब्दों से भंड करे, मुंह खुले हाथ ऊपर नीचे देखो खड़े। हाफी और आना बम्बल ना टेंडर, तेरा होने वाला रैपर और सिंगर। ये एंजॉय कर रहे हैं और चलते रहे। देख लीजिए इनको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा, यहाँ पे एकदम क्या बताया जाए, क्या हो गया है। और इनको तो मजाक ही भंडो के हाइफ है। और ये हमारा फ्रेंड देख लीजिए इसको क्या कर रहा है गाँव माता लोग के साथ। रुक, कहाँ से आते हैं ये बाबा? ये देखिए क्या साले, तभी तो। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग अभी अपने प्लेस पे पहुंच चुके हैं, सीआरपीएफ कैंप के पास। यहाँ से 10 कदम पे हमारा हॉस्टल है, देख लीजिए। ये हमारा सीआरपीएफ कैंप है पीछे, देख लीजिए। और इनका इतना चले हैं कि इनका जूता उतर गया है, हाथ में लेके चल रहे हैं, पैर इनका छिल गया है और काफी हम लोग थक भी गए हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।